नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज़ में लेकर हाजिर हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लास्ट वीडियो का प्रश्न। तो आपसे मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो भेजने की मंजूरी दी? तो इसका सही जवाब है अमेरिका ने। जी हाँ, अमेरिका ने दी है। अब देख लेते हैं जिन दोस्तों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं बहुत तो फास्ट बताऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। रितु वर्मा ने सही जवाब दिया है, रजनी अवस्थी ने सही जवाब दिया, मोनिका सहखावत, बुद्धि विलास, रुचि धनगर, और हैं यहाँ पे भाई प्रियंका पटवाल, नीलम चक्रवर्ती, अनिकेत देवल जी, ठीक है, और संजय कुमार जी की पोस्ट भाई अलग ही होती है, ठीक है। ये पूरा डिटेल दे देते हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षित दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, द कैट नाम से प्रसिद्ध किस देश के पूर्व गोलकीपर पीटर बोनेटी का हाल ही में निधन हो गया? तो देखिए, इसका सही जवाब है इंग्लैंड के थे। इनका नाम क्या है? इनका नाम है भाई पीटर बोनेटी, ठीक है। तो और ये क्या, द कैट के नाम से प्रसिद्ध थे, ठीक है। चलिए आपका दूसरा प्रश्न है, हाल ही में मानव उड़ान दिवस कब मनाया गया? तो मानव उड़ चला कब? 12 अप्रैल को, यानी कि मानव उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला आपका प्रश्न है, गृह मंत्रालय के अनुसार भारत में फंसे विदेशी नागरिकों को वीजा किस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है। कब तक? 30 अप्रैल तक के लिए। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ये उत्तर कोरिया है, ठीक है। कौन सा कोरिया है? उत्तर कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेशनल पेट डे, ठीक है, नेशनल पेट डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पेट डे, ठीक है। नेशनल पेट डे, पेट का मतलब आप जानते हैं ना, पालतू जानवरों का दिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को दुबई स्थित क्रिकेट अकादमी, देखिए अकादमी का नाम क्या है, क्रिक किंगडम, ठीक है, क्रिक किंगडम का ब्रांड नियुक्त किया गया है? तो ये है क्रिकेटर रोहित शर्मा। जी हाँ, अब देखिए यहाँ पर ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये भारतीय खिलाड़ी हैं और ये दुबई स्थित, ठीक है, इस अकादमी के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। कृषि मंत्रालय ने अच्छे मानसून की उम्मीदों के बल पर फसल वर्ष 2020-21 में देश के खाद्यान्नों में कुल उत्पादन 63.5 लाख टन से बढ़ाकर कितने करोड़ टन करने का लक्ष्य तय किया? तो ये किया गया है 29.83 लाख टन। आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये लाख में है, ठीक है, लाख टन में है, और ये आपका किस में हो जा रहा है, ये करोड़ टन में बदल जा रहा है, ठीक है। तो ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के वैज्ञानिकों ने COVID-19 वायरस का जीनोम सीक्वेंस खोजने का दावा किया? तो ये गुजरात, किसने, गुजरात ने कहा कि भाई जीनोम सीक्वेंस हमने खोजा, ठीक है, तो ये दावा किया गया है खोजने का। चलिए आपका 10वां प्रश्न है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर रेटिंग ने अजय महाजन को कितने साल के लिए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है? तो 5 सालों के लिए नियुक्त किया है भाई, ठीक है। चलिए आज का ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के स्कूलों में 1983 शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेश को, जिसे PTI भी कहते हैं, की नियुक्ति को रद्द कर दिया? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो जो भी सही जवाब है आपके अनुसार, उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।